तो अभी हम लोग जो हैं अनूप सर की एकेडमी देखने आए हैं वर्धा में। वहाँ आप देखेंगे तो बाउंड्री वॉल है बनी उनकी। अभी क्या है, यहाँ पे बारिश हो रही है तो हम लोग जो है नंगे पैर, जूते वूते हमने उतार लिए और नंगे पैर जा रहे हैं, क्योंकि जूते वूते पहन के जाएंगे तो पूरी ख़राब हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं, गाड़ी हमारी वहाँ रखी हुई है, वो तायवाड़ी जी भी हमारे साथ में हैं। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। तो देखने जा रहे हैं कैसा बना है, क्या है, कितना एक्सपेंसेस आया। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अनूप सर एकेडमी बनाने के लिए, तो यहाँ से थोड़ा सा सीखने के हिसाब से हम लोग आए हैं। और अब सीखने के प्रोसेस में इस तरीके का संघर्ष तो रहेगा और उसी से एक्सपीरियंस भी आएगा और आगे कुछ प्रोडक्टिव भी होगा। तो हम लोग अभी ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ गाड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी, बाय वॉक हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ में आगे एक इंजीनियर हैं जो यहाँ पे साइट में काम कर रहे हैं, तो वही हमको सारी चीज़ें दिखाने आए हैं। उनका नाम चंदू है, तो अभी हम जाएंगे वहाँ और वो कैंपस है उस कैंपस को विज़िट करेंगे कि किस हिसाब से काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, रोड बहुत पास में है और थोड़ी दूरी पे कैंपस है, तो रोड भी अच्छी बनी हुई है, गाड़ी वाड़ी सब आती है यहाँ, तो इजीली रीचेबल है। रेनी सीजन में थोड़ा दिक्कत है, फ्यूचर में जब ये रोड बन जाएगी तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो लेट्स सी हाउ द कैंपस इज बीइंग बिल्ड बाय अनूप सर। नाउ वी हैव एंटर्ड द एकेडमी, दिस इज द बोर्ड ऑफ नालंदा एकेडमी, यू कैन सी, एंड दिस इज द होल कैंपस। इट इज 9 acre लैंड एंड दे हैव मेड वन कॉटेज देयर एंड दे हैव प्लांटेड लॉट्स ऑफ ट्रीज ऑल्सो इन द बॉर्डर्स, एवरीवेयर दे आर प्लांटिंग एंड दे आर ऑल्सो द प्लास्टर ऑफ द वॉल इज गोइंग ऑन। इट इज टोटल 9 acres लैंड एंड वेन इट विल बी प्रिपेयर्ड ऑल द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट विल कम एंड स्टडी हेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस एजुकेशन सेंटर विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस एंड इट इज बींग मेड बाय अनूप सर फ्रॉम वर्धा। मेरा जय भीम, मेरा नाम चंद्रकांत भुचुंडे है और मैं यहाँ का अभी साइड इंजीनियर हूँ। तो आप जो ये देख रहे हैं जमीन, ये पूरा टोटल 9 acre है नालंदा एकेडमी का 9 acre जमीन है और यहाँ 9 acre में से हम 60% हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया रहेगा जो कि ये साइड में रहेगा। हाँ। और बाकी जो 40% है वो हमारा उधर ओपन एरिया प्लेग्राउंड एरिया रहेगा। अच्छा, ये वाला प्लेग्राउंड एरिया है उधर का, और ये जो 60% इधर का है। हाँ। ये हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया रहेगा। ठीक है। और इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन में वो साइड पे जो देख रहे हैं हमारा एंट्री रहेगा जी, जो मेन गेट रहेगा वो वहाँ रहेगा। हाँ। वहाँ हमारा एकेडमिक सेक्शन रहेगा जिसमें क्लासरूम्स, लाइब्रेरी और स्टाफ के ऑफिसेस वगैरह सब, डायरेक्टर ऑफिस वगैरह सब वो बिल्डिंग में रहेगा। उसके बाद जो है सर, ये साइड में हमारा बॉयज हॉस्टल बनेगा जो कि G+3 है। अच्छा। 300 बच्चों की कैपेसिटी का ये बॉयज हॉस्टल रहेगा। बॉयज हॉस्टल। और ये साइड में रहेगा हमारा गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा। जो कि वो भी G+3 है। और दोनों हॉस्टल के बीच में यहाँ हमारा यहाँ बनेगा स्टाफ क्वार्टर। अच्छा। दो विंग रहेगा, विंग ए विंग बी, और हर इसमें 6 फ्लैट रहेंगे। अच्छा। कि टोटल मिला के 12 रहेंगे और हमारे स्टाफ के लिए, ओके, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सबके लिए ये बनाएंगे। और ये साइड में कहीं हमारा एक मेस सेक्शन रहेगा। अच्छा, मेस रहेगा। मेस कंबाइन रहेगा कि अलग अलग रहेगा? कंबाइन सर, स्टाफ स्टूडेंट मेल फीमेल सबके लिए, सबके लिए एक ही मेस, एक ही में रहेगा, एक ही मेस रहेगा। अच्छा अच्छा। टोटल 300 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी, 300 से 400 बोल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम 100 बच्चों का पहली शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें 50 बॉयज 50 गर्ल्स ऐसा होगा? हाँ ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम जो कर रहे हैं तो 50 गर्ल और 50 बॉयज के लिए ये साल, एक साल में हम बनाएंगे इधर, बाकी ऊपर का हमारा चलता रहेगा। ठीक है, ओके।
थैंक यू। इसमें कितने का टारगेट है, कितना पैसा लगेगा इसमें? सर इसका अभी तो एस्टीमेट तो हमारे हिसाब से कुछ 25 के सीआर के करीब था, लेकिन अभी टोटल फाइनल एस्टीमेट आने का है, जो कि आर्किटेक्चर प्लान बनेगा उसके बाद आएगा, तो बढ़ भी सकता है क्योंकि जैसे जैसा टाइम ड्यूरेशन जाएगा, मटेरियल लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, तो सब बढ़ेगा। अभी हम फिलहाल ये नहीं बता सकते कि आर्किटेक्चर क्या चीज यूज कर रहा है उसमें, उसका कॉस्ट क्या है मटेरियल का, तो जब तक हमारे पास फाइनल ड्राइंग नहीं आ जाता हम फाइनल एस्टीमेट मतलब अभी नहीं बता सकते। आपको कितना समय लगेगा इसके लिए? सर समय का मतलब अभी मतलब जो ये जो 100 बच्चों का तो हम एक साल में कर देंगे, कि जो हमको फर्स्ट फ्लोर बनाना है, ग्राउंड फ्लोर, बॉयज हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर, गर्ल्स हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर, एकेडमिक का ग्राउंड फ्लोर, जो है हम एक साल में बना लेंगे, एक साल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्लम नहीं है, फंड्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ, फंड्स का प्रॉब्लम नहीं है, तो एक साल में, बाकी जो है वो 2-3 साल चलेगा। जो 3 साल में कम्प्लीट हो जाएगा, अभी वो फंड पे डिपेंड करता है सर, जब अगर फंड आया अच्छा रहा, हाँ, कंटिन्यूस काम चलता रहेगा, अगर क्योंकि हम लेबर और बाकी इश्यू से नहीं रुकेगा, मेन इश्यू होता है फंड, अगर फंड आया तो काम चलता रहेगा, नहीं तो करेक्ट जो है वो रुकेगा। ठीक, चलो हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। तो ये नालंदा एकेडमी का कैंपस है, हम लोग आज विजिट करने आए हैं, यहाँ ट्री प्लांटेशन भी हो गया है काफ़ी जगह, और वहाँ एक छोटा सा कॉटेज बना हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चलता है, तो वहाँ इंजीनियर्स जो हैं वो लोग रुकने की व्यवस्था है। तो ये कैंपस 9 एकड़ में है और करीबन इसका 25 करोड़ का अभी का बजट है, जो इनका टोटल डिज़ाइन है उसके हिसाब से, और फर्दर अगर ये डिले होता है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि रेट्स जो हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के वो बदलते रहते हैं, कॉस्टली हो जाता है चीज़ें। तो आज हम ये विज़िट करने आए हैं और किस तरीके से काम हो रहा है वो देखा, ये 7 फिट की बाउंड्री वॉल है और ऊपर 1.5 फिट सवा दो फिट का ग्रिल लगाया हुआ है। तो इस तरीके से एक क्लोज कैंपस जिस तरीके स्टूडेंट्स को चाहिए, वो यहाँ निर्माण कार्य उसका चल रहा है। तो अनूप सर को तो वाकई बहुत बहुत साधुवाद बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा विजन लेके जो वो चल रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, रियली कमेंडेबल है और काफ़ी कुछ उनसे सीखने लायक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनूप सर को मदद करना चाहिए। ये पोस्ट जब भी मैं सोशल मीडिया में डालूँगा तो जितने लोग वर्धा आके सर को सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के एजुकेशनल इनिशिएटिव्स गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि सर यहाँ पे जो कैंपस बनाएंगे बच्चों से एक भी पैसा नहीं लेंगे, बच्चों को पूरा जो एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और नालंदा एकेडमी से मैं अपना वीडियो आज यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अनूप सर को सपोर्ट करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।